वेलकम बैक बच्चों, आज हम अपनी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले और कैसे कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है सबसे पहले, फिर हम इसके अंदर कवर करेंगे बच्चे कि व्हाट डिफरेंट थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसकी दो अलग अलग थ्योरी होती हैं। एक हमारे पास आती है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, एक हमारे पास आती है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल क्या होंगे, रमन एक्टिव होंगे, यानी कि कंडीशंस क्या होगी। थर्ड हम देखेंगे कंडीशन फॉर रमन एक्टिव कि क्या कंडीशन होगी, रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा या देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे अपना क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि हमारे पास कि जो एटम होंगे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मॉलिक्यूल्स जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रहे हैं उसके अंदर, फिर हम देखेंगे रोटेशनल उनका रमन स्पेक्ट्रा कि उनका रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होगा, इसका सिलेक्शन रूल क्या है, इसका जो ग्राफ आएगा उनकी इंटेंसिटी कैसी आएगी पिक्स की, इंटेंसिटी ऑफ पिक्स। फिर इसके बाद हम वैसे ही देखेंगे कि वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा कब मिलेगा, इसकी भी सिलेक्शन रूल और इंटेंसिटी। फिर हम देखेंगे इसके बाद रोटेशन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, सिलेक्शन रूल, इंटेंसिटी पैटर्न। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। और इसके बाद फाइनली हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसकी क्या एप्लीकेशन है। या हम अगर हम बात करें कि रमन या आईआर में क्या डिफरेंस है, रमन या आईआर, आईआर को हमने बोला था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, किन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या क्या यूज है। फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे लास्ट में। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ये होती क्या है तो समझना पड़ेगा कि ये स्कैटरिंग का क्या मीनिंग है और ये कितने टाइप की होती है। देखो स्कैटरिंग दो टाइप की हमारे पास, एक हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग और एक सेकंड हम बोलते हैं इन इलास्टिक। देखो इन इलास्टिक का मीनिंग हो गया कि देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यहां पे बोलते हैं नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या हुआ, अगर आपने कोई मॉलिक्यूल था, मान लिया कि हमारे पास एक फोटोन है, ये लाइट का फोटोन है एच म्यू, जिसकी एनर्जी कितनी है एच म्यू, क्योंकि हमें पता लाइट का हमने वेव नेचर भी होता है पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल नेचर के रिस्पेक्ट में देखें कि एक पार्टिकल है, ये हमारा मॉलिक्यूल था, दिस इज आवर मॉलिक्यूल। अगर ये इसके साथ आता है, स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता है ना, इसको एनर्जी ना ट्रांसफर करे और केवल अपनी क्या कर ले, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो इसका मतलब यहां पर भी इसने क्या किया, फोटोन ने स्ट्राइक किया मॉलिक्यूल के साथ और वापस अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इसका मतलब इसने इसको स्ट्राइक किया यानी कि स्कैटर होकर चला गया, अभी भी इसकी एनर्जी एच म्यू ही रहेगी। तो अगर ऐसा होता है जब नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं लाइक रेले स्कैटरिंग, इसका नाम हो जाता है रेले स्कैटरिंग, यानी कि जो रेले स्कैटरिंग होता है तभी होगा जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और इसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग और इसका नाम हमने बोल दिया रेले स्कैटरिंग। बच्चे इसके साथ इसलिए इंटरेक्शन नहीं है कि कह रहे कि इसकी जो एनर्जी है, इसके करस्पोंड जो रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है उसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी किसी से मैच नहीं कर रही, ना उसके किसी रोटेशनल से, ना वाइब्रेशनल से, ना इलेक्ट्रॉनिक से। अगर ऐसा होगा तभी यह स्कैटरिंग पॉसिबल है। इन इलास्टिक में क्या हो गया, देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या हुआ, देखो दो चीजें हो सकती हैं बच्चे, कि हमारे पास जो फोटोन था जिसकी एनर्जी हमने एच म्यू बोला या जिसको मैंने बोल दिया ई बोल दिया इस टाइप से, अब क्या हुआ ये मॉलिक्यूल के साथ, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल था,
अब मॉलिक्यूल में क्या हो गया कि यहां पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल भी रहते हैं, वहां पे से इलेक्ट्रॉन, तो कह रहे कि अगर ये इसके ऊपर स्ट्राइक करता है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ और यहां पर ये स्कैटर्ड होके चला गया और यहां से हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। तो ये कह रहा है कि अगर ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दो टाइप से हो सकता है कि जब ये जो फोटोन आएगा हमारा ये किसके साथ चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करे, चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है तो कुछ अपनी एनर्जी या अपना मोमेंटम इन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या करेगा, अपनी कुछ एनर्जी या हम बोलेंगे मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा। अगर मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया या एनर्जी ट्रांसफर कर दी तो इसकी एनर्जी हमने बोल दिया एच म्यू डैश या ई डैश। अगर ऐसा हो गया तो ऑलवेज जो ये एनर्जी होगी एच म्यू वो ग्रेटर होगी एच म्यू डैश से, कि इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसने अपने चार्ज पार्टिकल के साथ जब कोलिजन किया जो कि मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट है तो वहां पर अपना क्या करेगा मोमेंटम या हम क्या बोलेगा ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। और ये ऐसा हमें देखने को नजर आता है कोम्पटन इफेक्ट में, हम बोल देते हैं इस टाइप के इफेक्ट को कोम्पटन इफेक्ट। की कोम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होती है तो जो जो इनके जो रेडिएशन होंगी जो आउटगोइंग जो स्कैटर रेडिएशन होगी उनकी एनर्जी कम होती, ये हमने डिस्कस किया था हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कि कोम्पटन इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ऐसे ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जहां पे चार्ज पार्ट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होती है इंट्रेक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो मेरा फोटोन आया है जिसकी एच म्यू था अगर ये हमारे मोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, देखो यहां पे जो इंटरेक्शन था वो चार्ज पार्टिकल के साथ था, अगर ये हमारे मोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे तो दो चीजें हो सकती थी, तीन चीजें, क्या तो वो उसी एनर्जी से निकल जाए कि इसकी जो एनर्जी ई थी बच्चे अगर हमने बोला तो अगर ये स्ट्राइक करके ऐसे कैसा चला जाए ई तो इसकी एनर्जी सेम, तो इसको हम तो रेले बोल दिया था यानी कि इसकी एनर्जी एच म्यू। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वन इन मिलियन मोल ऐसा होगा कि जब मिलियन कोलिजन होंगे उसमें से एक ऐसा कोलिजन होगा कि अब ये जो एनर्जी लेके आए स्ट्राइक करने के बाद जब ये जाएगा यहां से तो इसकी एनर्जी ई डैश वो इंक्रीज हो सकती है, या इसकी स्ट्राइक करने के बाद जो इसकी ई डबल डैश हमने ई डैश बोल दिया या ई डैश ही बोल दो कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, क्या तो जो इसकी एनर्जी आफ्टर कोलिजन या आफ्टर स्कैटरिंग के बाद इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। ये जब मोलिक्यूल के साथ इंटैक्ट करेगा ये उसके चार्ज पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के साथ नहीं कर रहा, अगर ऐसा हो गया इस केस में इन दोनों केस में या इधर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए या उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाए, ये रेयर होता है हमारे पास बहुत कम होते हैं तो ये वन इन मिलियन चांस होते हैं मिलियन कोलिजन्स में वन, तो इसको हम बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। बच्चे ये देखो ये मीनिंग होता है कि अगर जो हमारा इनकमिंग रेडिएशन या फोटोन अगर मॉलिक्यूल के साथ इंटैक्ट करते हैं और उनकी एनर्जी या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो हम बोलते हैं उसको रमन स्कैटरिंग, अगर एनर्जी सेम रहती है तो हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, अगर वो चार्ज पार्टिकल के साथ करता तो उनको ये स्कैटरिंग नहीं बोलते, वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग था जिसका नाम हमने बोल दिया रमन स्कैटरिंग। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारी दो थ्योरी होती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, इंक्रीज एनर्जी हो गई डिक्रीज हो गई, यार ये जो एनर्जी है मेरे मॉलिक्यूल के साथ कब इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट का मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल के साथ, या मॉलिक्यूल कुछ अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दे इस फोटोन को तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास ये इस मॉलिक्यूल के साथ कम इंटरेक्ट करेगा और इसका क्या रीजन है, ये हमारी दो थ्योरी ने बताया। तो हम सबसे पहले देखेंगे अब थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चे हमारे पास दो थ्योरी, सबसे पहले हम करते हैं इसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलते हैं, देखो अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर मोलिक्यूल से हमने H2E बोल दिया तो क्या बोला कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये बीच में होगी बोन के दोनों के ऊपर, किसी के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जहां पे जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो सेम रहे, वो चेंज ना हो, यानी कि स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लग दी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, से हमने कोई कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं यहां पे ऐसे कैपेसिटर ले देते, अगर हम कैपेसिटर ले देते तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज होगा एक क्या होगा माइनस होगा, क्यों अब ये प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर अगर हम लिख देते हैं कैपेसिटर
तो इस कैपेसिटर के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है और एक कैसा होता है, माइनस होता है। अगर इस मॉलिक्यूल को रख देते हैं इस कैपेसिटर के अंदर तो क्या होता है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन के इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, ये क्या हो जाते, इस साइड मूव हो जाते। अगर ऐसा हो जाता तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा हो जाते। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन के पास ज्यादा, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी हम कोई कैपेसिटर के अंदर, यहां पे हमने क्या कर दिया, ये इसके दो हमारे पास टर्मिनल थे, तो यहां पर अगर हम ऐसा करते तो हमारे पास ये कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट यहां पे जनरेट होगा और इसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। अगर इसके अंदर हम कोई सब्सटेंस रखते हैं जिसको पोलर मोलिक्यूल हो, तो क्या होगा, इसकी तरफ इसका नेगेटिव डाइपोल ऐसा, नेगेटिव प्लस और माइनस की तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहां पर डाइपोल जनरेट हो जाएंगे। देखो क्या हुआ, अगर हम इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हो गया कि हमने भाई ये कैपेसिटर ही रख दिया, यानी कि डाइपोल प्लस माइनस अगर हमारे पास टर्मिनल थे उसके बीच में रखा, तो ये क्या हो गया, देयर इज शिफ्ट इन क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से एक पे डेल्टा नेगेटिव एक पे डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या हुआ, तो हम इसी को लिख सकते हैं क्या, व्हेन वी, या हम इसको रिप्रेजेंट करें इस कैपेसिटर की जगह, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, हमें पता है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। देखो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल करते हैं बच्चे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल करते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां से, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है इस तरीके से, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा दिखाऊं कि मैं इलेक्ट्रिक करंट की रिस्पेक्ट में दिखाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, कि इस साइड ये पॉजिटिव था उसका टर्मिनल, ये नेगेटिव था, अगर बीच में हाइड्रोजन रखा, ये H2 था, ये H, तो ये इधर शिफ्ट होके आ जाएगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो हम इस तरीके से दिखा सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो अगर हमारे पास नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल, तो जो इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है नॉर्थ से जाके किसकी तरफ जाती है, साउथ के अंदर, ऐसा नॉर्थ से कहां जाती है, साउथ से। तो अगर हम ऐसे ही बात करते हैं यहां पर भी इलेक्ट्रिक की, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी। तो अब क्या होगा, तो लिख सकते हैं व्हेन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, व्हेन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज पुट इनटू स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू आर पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू आर पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज विल जनरेट ऑन एटम्स। हम लिख सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ विच चार्ज सेपरेशन जनरेट इन मॉलिक्यूल। या हम बोल सकते हैं एज ए रिजल्ट विच डाइपोल्स विल जनरेट इन मॉलिक्यूल, कि एक के ऊपर डाइपोल ही बन गया बच्चे, कि ये H और ये S था, अब क्या हो गया, एक डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा और एक डेल्टा ये नेगेटिव आएगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक डेल्टा। अगर ऐसा हो गया तो इसको हमने क्या बोल दिया, अगर ऐसा होने हमने इसको बोल दिया कि डाइपोल जनरेट हो गए हमारे पास, जिसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल या इसको हम बोल देंगे अब पोलराइजेशन हो गया, कि ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया, या एज ए रिजल्ट पोलराइजेशन विल टेक प्लेस, एज ए रिजल्ट या बोल सकते हैं पोलराइजेशन विल टेक प्लेस। अब क्या इसी को हम दिखाएं, तो इस तरीके से दिखाएंगे कि ये जो पोलराइजेशन हुआ है बच्चे, ये कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, ये पोलराइजेशन, इसको हम नाम सकते हैं पोलराइजेशन और इंड्यूस्ड डाइपोल,
कि हमने डाइपोल जनरेट किए हैं जब मॉलिक्यूल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा या हमने पोलराइजेशन। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं कि पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, कि पोलराइजेशन जो पोल्स बने कितना डेल्टा नेगेटिव या कितना पॉजिटिव। देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एक एटम की तरफ, जितना ज्यादा शिफ्टिंग होगी उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर उतना क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम बोलते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन कि कौन कौन से फैक्टर्स पोलराइजेशन को इफेक्ट करेंगे या कितना पोलराइजेशन होगा जब हमने उस मॉलिक्यूल को किस में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कितना पोलराइजेशन होगा। तो हम पोलराइजेशन को ये इंड्यूस डाइपोल को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं अल्फा ई। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज म्यू इंड्यूस, ये पोलराइजेशन, दिस इज पोलराइजेशन, दिस इज पोलराइजेशन, यहां पर ये क्या है, दिस इज पोलराइजिबिलिटी, पी ओ एल ए आर जिबिलिटी, और यहां पर क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या बोल सकते कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो ये प्लस माइनस जो हमने लगाया था कितना स्ट्रॉन्ग है, कि जितना ज्यादा यहां पे मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा शिफ्टिंग होगी। सेकंड क्या है कि हाउ स्ट्रॉन्गली और लूजली इलेक्ट्रॉन आर बाउंड इन द बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कितने स्ट्रॉन्गली जो इलेक्ट्रॉन है ये बाउंड है। देखो क्या हो बच्चे, अब ये दो फैक्टर है क्योंकि इसके ऊपर तो ये तो इसी पे डिपेंड करेगा, जो ये एल पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है सेकंड फैक्टर के ऊपर, कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव ही ना करे, बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंड है, तो इसके अंदर जो पोलर ये होगा शिफ्टिंग होगी कम होगी, यानी कि अगर कम होगा मेरे पास तो पोलराइजेशन कम होगा, लेकिन अगर ये इजिली हो जाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, अगर ये इजिली शिफ्ट हो जाए, कम हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए लेकिन उस इजिली में भी इसका ये बॉन्ड वीक था तो इजिली शिफ्टिंग होगी, इजिली शिफ्टिंग हुई तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा ज्यादा। अब हम देखेंगे कि ये कब स्ट्रॉन्गली लूज हो सकता है, कि भाई इजिली डिस्प्लेस होंगे या इजिली नहीं होंगे, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे बोला हमने पाई बॉन्ड, एक क्या बोला सिग्मा बॉन्ड। देखो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया मेरा बेंजीन का, बेंजीन लेता हूं क्योंकि इसके अंदर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है तो इसमें क्या होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक अगर मॉलिक्यूल लेते जाए वाटर, तो वाटर के अंदर तो क्या मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, देखो यहां पर क्या इसके अंदर कौन से बॉन्ड थे सिग्मा, और यहां पर कौन से मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाते बच्चे, तो क्या हो गया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लगा के इस तरीके से, और यहां पर भी अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड कैसा ये नेगेटिव, हुआ क्या हमें पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली डी लोकलाइज्ड, कि ये इजिली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो इजिली मूव नहीं कर सकते। सो बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजिली डीलोकलाइज्ड, ये फ्री नहीं। तो अगर ये इजिली डीलोकलाइज्ड हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने जो अभी पॉइंट लिखा था वो पॉइंट क्या लिखा था कि हाउ टाइटली और लूजली इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड इन द मॉलिक्यूल। तो अगर क्या होंगे देयरफॉर देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली शिफ्टेड, तो हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली शिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव क्या टर्मिनल। अगर ऐसा इजिली हो गया तो क्या हो गया, तो इन किस टाइप को जिसमें इजिली शिफ्ट हो जाए उनको हम बोल देते हैं सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, और हम बोल देते हैं इसके अंदर क्या होता है दीज हैव हाई पोलराइजेबिलिटी का किस क्या सिंबल था अल्फा। पोलराइजेबिलिटी क्या हो गया इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द इज बाय विच इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड या इलेक्ट्रॉन कैन बी डीलोकलाइज्ड, ऐसा बोल सकते इट इज द इज बाय विच इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
कि हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और इलेक्ट्रॉन का क्या करें, डिस्प्लेस करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम पोलराइजेबिलिटी, या इसको हम दूसरी टर्म में लिख सकते हैं क्या, पोलराइजेशन पर यूनिट, इसी आल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मैं एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो कितना उसके अंदर पोलराइजेशन होगा, उसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और उसके अंदर ज्यादा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा थी। तो ये अल्फा, तो ये अल्फा किसका होगा, सॉफ्ट मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नॉट रिलीज डिलोकलाइज, इसके अंदर जो फ्रीली मूवमेंट नहीं हो सकती है, तो अब इनको हम बोल देते हैं हार्ड मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड हार्ड मॉलिक्यूल्स, और इनके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी होती है इनकी क्या होती है, लो पोलराइजी जीबिलिटी, इनकी लो पोलराइजेबिलिटी होती है बच्चे। तो अब हमने देखा कि जो यहाँ पे अल्फा क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, तो हमने जो लिखा था म्यू, दिस इज इक्वल्स टू क्या, अल्फा इंटू ई। तो अब हमने देखा कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, और दूसरा यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। अब दो चीज़ें हो गई, अब इस पोलराइजेबिलिटी को मैं बोल सकता हूँ पैरेलल पोलराइजेबिलिटी, या हम दूसरा बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर। कैसा, देखो अब हमने मॉलिक्यूल तो हमारे पास H2 ही था, H2, इसके इलेक्ट्रॉन बीच में थे। अगर हमने इसका जो एक्सिस है, ये हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई बच्चे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हम लोगों ने, तो हम लोगों ने इसकी जो बॉन्ड एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, पास हो रही है यहां से, ये एक्सिस पास हो रही है इसकी, कि अगर मैं एक्सिस इसको रोटेट करूं तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मान लेते हैं ये ऐसा था, तो मैं इसी को यहीं पर रोटेट कर सकता हूं, कि यानी कि मेरे पास क्या है, रोटेशन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन एक्सिस, यहां पर एक्सिस है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज हो जाएंगे एक साइड के अंदर, जब हम लोगों ने व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई इज पैरेलल टू मॉलिक्यूलर एक्सिस, कि अगर इसकी पैरेलल है मॉलिक्यूलर एक्सिस के, तो अब देखो क्या हुआ, अब इसकी वजह से जब इसकी पैरेलल था इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये जो पोलराइजेशन हुआ है, तो ये पोलराइजेबिलिटी इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फा पैरेलल, पैरेलल का ये सिंबल होता है कि अब ये पोलराइजेबिलिटी इसमें आई है, जो शिफ्टिंग की वजह से जो इसके अंदर डाइपोल बना है उसको हम बोलते थे पैरेलल। इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन क्या हुआ, अगर आप इसी को ऐसा करते, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि ये H था मॉलिक्यूल, ऐसे लगाया H और H लगाया, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी, ये इस तरीके से हुई, ये इस ऊपर से नीचे की साइड पास हो गई, अगर आपने इधर प्लस और इधर नेगेटिव, तो क्या हुआ, व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसको दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, देखो ऐसा कि आप H ऐसे ही लिखते, जैसे H ऐसा लिखा था वैसे की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही लगाते ही है इस तरीके से, अब मॉलिक्यूल को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं H और H, ये इस तरीके से ऐसा। अरे तभी भी तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ऐसे दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दो या मॉलिक्यूल की चेंज कर दो, उससे कोई डिफरेंस नहीं, अभी है तो दोनों परपेंडिकुलर। व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस, उस टाइम पे जो इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी आएगी उसको हम अल्फा परपेंडिकुलर बोल देते हैं। देखो ये ऑलवेज सेम नहीं रहती है, कि वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कि हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई की है, और उस मॉलिक्यूल की जो एक्सिस है, मेन रोटेशनल एक्सिस अगर हम बोल देते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी डायरेक्शन कैसी, अगर यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे अब ज़्यादा शिफ्टिंग होगी, लेकिन यहाँ पर ये अगर प्लस माइनस होता तो ये ऊपर की तरफ जाना था, तो ऊपर तो उसमें इतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ से एक टर्म आ जाती बच्चे, कि अगर हमारे पास अल्फा पैरेलल इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा परपेंडिकुलर, हम ऐसे मॉलिक्यूल को बोल देते हैं एनआइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल, यानी कि व्हेन द वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, व्हेन द वैल्यू पोलराइजेबिलिटी इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस, देन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो जो ये मेरा मॉलिक्यूल था वाटर, इसके अंदर इक्वल डायरेक्शन में नहीं हुआ था हमारे पास, तो इसको बोल दिया ये एन आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल है।
आइसोट्रॉपिक में क्या होगा कि दोनों की सभी डायरेक्शन से आप परपेंडिकुलर लगाओ पैरेलल लगाओ उसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी आती वो क्या होती सेम आनी थी, तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मॉलिक्यूल। अगर हम SF6 मॉलिक्यूल की बात करते हैं लाइक SF6, तो SF6 में क्या था बच्चे, ऐसा SF6 बताते हैं, देखो S फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन। अगर आप इसके इस तरीके से लगाओगे, हमारे पास यहां पे लगाया या आप दूसरी साइड से लगाओगे, तो जो यहां पे ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो स्फेरिकल हमारे पास है, तो इसके अंदर जो हमारे पास होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूल को अगर हम बोलते हैं तो ये क्या हो गया, ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, तो यहां पर इसकी अल्फा परपेंडिकुलर अल्फा पैरेलल होती है ऑलवेज, ये ऑलवेज आएगी। आप अलग अलग डायरेक्शन में भी लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके पैरेलल इस डायरेक्शन से लगाओ या इसके 90 डिग्री लगाओगे तो यहां पर ये इक्वल होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये हो गया आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल। तो हमने यहां से देखा कि जो ये अब ये पोलराइजेबिलिटी है ये दो टाइप की हो गई कि भाई कितना होगा या नहीं होगा, तो पैरेलल का मतलब उस पैरेलल लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा दिया, तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं कि इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा बोली इसमें मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेबिलिटी कम बोल दी, क्योंकि ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता लेफ्ट राइट में मूव कर सकता, तो इस पोलराइजेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेबिलिटी कम है या ज्यादा, तो हम इसको एलिप्सोइड के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेबिलिटी एलिप्सोइड बोलते हैं। तो हम इसको देखते हैं हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट पोलराइजेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल।